शरण्य याद है कॉलेज में व्योम के पास एक गाड़ी थी, मरने से पहले मैंने उस गाड़ी को उसी जगह देखा था। शिव, शिव वो देखो। शिव, ये तो वही गाड़ी है। हाँ, ये वही गाड़ी है जो मैंने मरने से पहले देखी थी। हो ना हो शिव, इस गाड़ी को इतनी दूर छुपाने के लिए इसीलिए रखा है ताकि ताकि किसी के हाथ ना आ जाए। नहीं तो इतनी कीमती विंटेज कार यहाँ क्यों रखेगा? हो ना हो शिव, इस गाड़ी को देख के ऐसा लगता है जैसे इस गाड़ी को बहुत सालों से किसी ने चलाया ही नहीं हो, है ना? शिव, 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 ये कहाँ गया? हो सकता है माधवी आंटी को ढूंढने गया हो कि अभी तक आई क्यों नहीं। मेरा रास्ता मत रोक। मैंने कब कहा मॉम कि आपकी याददाश्त कमजोर है? मैं तो सिर्फ आपको यही कह रहा हूं कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हैं। मेडिसिन लीजिए और जाइए ना काम पे। लीजिए, खाइए, चलिए। क्यों जबरदस्ती करें? तू खिला चुका है ना, मैं क्यों जिद कर रहा हूं? मैं गाड़ी चेक करती हूँ। ये दाग जरूर उस एक्सीडेंट की वजह से आया होगा। हो सकता है खूनी के फिंगरप्रिंट्स भी हो इस गाड़ी में, जो मुझे उस कातिल तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। चुपचाप दवाई खा लेती तो ये सब कुछ नहीं होता ना। क्यों करती हैं आप ऐसा? क्यों कभी अपने बेटे का ही साथ नहीं देती?
हमेशा अकेला पड़ जाता। क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि आप हमेशा दूसरी टीम में, मेरे साथ में आप ही का तो बेटा हूं, क्या चाहता हूं मैं, सिर्फ एक हैप्पी परिवार जहां मेरे माँ हो, मेरे पापा हो, शरण्या हो। लेकिन आप कभी मेरा साथ नहीं देती। क्या बोलेंगे दुनिया वाले, यही बोलेंगे ना कि बेटा खराब था? क्या वो यकीन करेंगे सच्चाई पे कि बेटा खराब नहीं, माँ खराब है? ताला नहीं खोला है सुंदर ने अभी तक। सुंदर, सुंदर, तुमने ताला नहीं खोला अभी तक? सॉरी सर, वो इमरजेंसी हो गई थी। तुम्हारी इमरजेंसी के चक्कर में बेदी हम दोनों के इमरजेंसी कर देगा। ताला खोलो। वो चाबी नहीं मिल रही सर। क्या चाबी नहीं मिल रही? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बेदी को पता चलेगा कि टीम आने से पहले हमने फ्रेडी का काम तमाम नहीं किया ना, तो बेदी हम लोगों का काम तमाम कर देगा। ताला तोड़। अभी तोड़ता हूँ साहब। ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है, चाबी यहाँ है। हटो, चलो। तुम काम करो अपना। काम के वक्त बस पॉटी करता रहता है। सर, बाथरूम के बाहर इसने चाबियां छोड़ी थी। होश में रहो, ये मेरी तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। जाओ अभी यहां से। आइए सर। डॉक्टर, जब तक मैं शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करती हूँ, आप थोड़ा सा आराम करने चले जाइए। मैं केबिन में बैठा हूँ, तैयारी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। फ्रेडी, फ्रेडी, फ्रेडी उठ, फ्रेडी, दिख, दिख मैं आई हूँ, दिख ओढ़नी आई है तुझे लेने। दिमाग खाने के लिए तू नहीं है, तो मेरी लाइफ देख कितनी बोरिंग और सैड हो चुकी है। प्लीज फ्रेडी उठ, मेरे दोस्त। टेडी, टेडी उठ, देख मैं गलत नाम दे रही हूँ, चीकर बोल ओढ़नी, मेरा नाम फ्रेडी है, टेडी नहीं। फ्रेडी प्लीज उठ, टेडी। उस डॉक्टर और वॉट बॉय के आने से पहले मुझे फ्रेडी को यहाँ से लेकर जाना होगा। क्या करूँ मैं, कैसे? परिवार खटखटाया सूरज ने दरवाजा, चांद देखो तुम्हें निकल आया, कुत्ते बचाई है ने। बेटा, प्लीज बेबी, आपको अपना ही दर्द नजर आ रहा है। अपने बेटे का दर्द तो आप महसूस ही नहीं कर सकते। एक बार पलट के मुझे गले भी नहीं लगा सकते। प्लीज हाथ भी ओम, प्लीज हग मी। आप ऐसे ही करती हैं, आप ना आज मेरे साथ हैं और ना ही कल थी। क्यों, क्यों क्या कर रहा है? सुन बेटा, मैं शिव से ही मिलकर आ रही हूँ। बहुत समझाने की कोशिश की मैंने, पैसों को लालच भी दिया, डराया, धमकाया, लेकिन वो नहीं मान रहे। बेटा
करता है शरण्या से, तो खुद ही सोचना उसकी जिंदगी में शरण्या के अलावा और है ही कौन। और बेचारा तो अपनी फैमिली से जुड़े राज से भी अनजान है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पीछे भी हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है। व्योम, व्योम समझने की कोशिश कर। शिव एंड शरण्या, दे आर मेंट टू बी टुगेदर। ऐसा मत कर, ये पागलपन, ये दीवानगी सही नहीं है। व्योम, क्या कर रहे बेटा? शिव शरण्या एक साथ जीने के लिए बने, मैं मरने के लिए बना, मर जाता हूं मैं। क्या कर रहे? अरे क्या कर रहे? पागल हो गए तुम? जो नहीं सही नहीं है, क्या कर रहे? आपको पता है क्या सही नहीं है? शरण्या किसी और से प्यार करे ये सही नहीं है। शिव शरण्या से प्यार करे ये सही नहीं है। व्योम शरण्या के बीच कोई और आए ये सही नहीं है। ट्रस्ट मी मॉम, व्योम और शरण्या के बीच जो भी आएगा ना वो मर जाएगा। And you know what? अगर आप कुछ नहीं कर सकती ना, then please stay out of it. व्योम और शरण्या के बीच जो भी आएगा ना वो मर जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर पेशेंट रूम में नहीं है, वार्ड खाली है। क्या? ढूंढो उसको वरना बेदी हमें छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर, क्या हुआ? वो पेशेंट फ्रेडी अपने वार्ड में नहीं है। क्या? पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर साहब, वो जो कल औरत आई थी ना, वो नर्स नहीं बल्कि पागल है। अरे वही जो कल रात में एडमिट हुई थी और वो भी भाग निकली। सबसे पहले सारे गेट बंद कर दो और मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाके ढूंढो उन्हें। जाओ जल्दी से, जाओ जल्दी। हम दोनों पकड़े जाए इससे पहले यहां से निकलना होगा। सॉरी मॉम। शरण्या का कॉल। हाँ हाँ बोलो। सालम से भाग गया? किस औरत के साथ भागा? मैं मुझसे आप
आप हमेशा ऐसे करती है, कभी मेरा साथ नहीं देती है। आज एक बार मैं फिर मुसीबत में हूं, आप सो गई। As usual, I'm alone. I'm always alone. Mom! Dad! Mom gir gayi! Dad, Mom! Mom, Dad! Mom! व्योम का फोन, ओह गॉड, उसे क्या बोलूंगी? अगर उसे पता चल गया मैं यहाँ पे हूँ तो, और अगर मैंने उसका फोन नहीं उठाया और उसे शक हो गया फिर? हेलो व्योम, फ्रेडी किसने तुम्हारे साथ किया ये सब बताओ ना फ्रेडी। मुझे एक बार उसका नाम बोलो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फ्रेडी कुछ तो बताओ फ्रेडी। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, शरण्या के पास जाकर उसे सब बताना होगा। चलो फ्रेडी कुछ बोलो। रिक्शा मॉम, मॉम, फ्यूम, फ्यूम ये सब? मॉम सीढ़ियों से गिर गई। कितनी चोट आई है? सीढ़ियों से, लेकिन कैसे? जब इंसान के कदम लड़खड़ाए होश ना हो तो हादसे हो ही जाते हैं। लेकिन ये सुनती नहीं, नशे की हालत में सीढ़ियों से उतरने की कोशिश कर रही थी, गिर गई। मॉम आप क्यों करती हैं ऐसे? ठीक है मैं मानता हूं कि इंसान अपनी आदत नहीं बदल सकता, लेकिन कम से कम जो दवाइयां मैं आपके लिए लेकर आता हूं आप वो तो खा लिया करें। क्या करती है ये? इन्हें छुपा के रखती है। ये देखो छुपा के रखती दवाई।
पर आज बिना बताए पता नहीं किससे मिलने जा रही थी। तुम्हें बताया कुछ ये किससे मिलने जा रही थी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.